Hello and welcome to all. So, this is the first lecture on the topic impact of jet. And in this lecture, we are going to see what is the impulse momentum principle as well as the force exerted by the jet on a stationary plate. So, all right, so first, impulse momentum principle, and then based on this principle, we will calculate what is the force exerted by a jet on a stationary plate. So let's start. So before we start, so let us look what is a impact of jet. Is jet hai kya? What is a jet? So jet ka matlab it is a stream of a fluid, and it is coming out from a nozzle. Stream of a fluid which is coming out from a nozzle with a high velocity. High velocity means, hence we can say it has a high kinetic energy. High velocity means high kinetic energy. All right. So high velocity fluid stream को we called as a jet. पहला तो क्या है कि ये जो velocity it should be very large because it is made of fluid, so we called as a jet. ठीक है, नोजल का काम ही क्या है? नोजल क्या करता है? इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूड. सो व्हाट डज डोज इट इज इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूड. सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड दैट विल इंक्रीज. एंड व्हेन दिस जेट इट स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेट और अ वैन, वैन का मतलब कर्व्ड वैन होगा, वैन. सो इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट. सो जब ये हाई वेलोसिटी का जेट जो है वो किसी प्लेट या किसी वैन से जब ये स्ट्राइक करेगा, सो इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट. क्यों एग्जर्ट करेगा? ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम की वजह से इट विल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन दिस प्लेट. आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट. एंड टू कैलकुलेट दिस फोर्स वी यूज द इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. ठीक है, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. अभी ये प्रिंसिपल क्या है वो आपको पता ही होगा, अभी आगे डिस्कस करते हैं. सो ये अभी के लिए दिस जेड, जेड मीन्स द काइनेटिक, हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्लूड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम ए नोजल. तो नोजल किस तरह से होता है? इट इज अ डाइवर्जिंग सेक्शन. ये इस तरह से डाइवर्जिंग सेक्शन होता है विच इज कनेक्टेड थ्रू अ पाइप. सो लेट दिस इज पाइप. सो दिस इज योर पाइप एंड दिस इज दिस पोर्शन इज नोजल. सो यहां से जेट आएगा विथ हाई वेलोसिटी. हाई वेलोसिटी, ऑल राइट. एंड फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाई इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. सो दीज आर द डिफरेंट केसेस दैट वी हैव टू कवर. सो फर्स्ट, फोर्स एग्जर्टेड बाई जेड ऑन ए स्टेशनरी प्लेट. सो स्टेशनरी प्लेट से सो वी हैव अ थ्री डिफरेंट केसेस. व्हेन वी हैव अ फ्लैट प्लेट एंड जेड स्ट्राइक्स नॉर्मल टू द प्लेट, सेम फ्लैट प्लेट विथ सम इंक्लिनेशन, एंड फाइनली वी हैव अ कर्व्ड प्लेट. सो दिस इज द थ्री डिफरेंट सिचुएशन फॉर स्टेशनरी प्लेट. बट सपोज इफ द प्लेट्स आर इन अ मूविंग कंडीशन और इन मूविंग स्टेट, सो सेम थ्री केसेस. व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू द जेड, इट इज इंक्लाइंड टू द जेड एंड कर्व्ड प्लेट. सो वी विल कैलकुलेट फोर्स. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेड. हर एक केस में यही कैलकुलेट करना है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेड. जेड ने कितना फोर्स एग्जर्ट किया ऑन दीज डिफरेंट सिचुएशन. सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, बिकॉज वी विल यूज दिस प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द फोर्स
एग्जर्टेड बाई दी जेड। इसके लिए हम यही यूज करने वाले हैं मोमेंटम प्रिंसिपल। सो व्हाट दिस सेज, द सम ऑफ द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जस्ट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। और ये डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में वी आर राइटिंग दी इक्वेशन। सो सपोज जनरल टर्म में अगर मैं लिखूँ तो समेशन ऑफ द फोर्सेस द सिग्मा एफ एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑल राइट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ये किसके बराबर होगा, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज एफ नेट। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, सो इट इज द डिफरेंस ऑफ द फाइनल मोमेंटम। सो इट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऑल राइट, चेंज को कैसे लिखेंगे, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, सो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। सो वी विल राइट द मास एंड फॉर वेलोसिटी वी यूज फाइनल वेलोसिटी एंड माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ऑल राइट, सो मास इनटू वेलोसिटी इट इज मोमेंटम। मोमेंटम को जिस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ यू टेक एम सो दिस विल बी एम एंड वी कैन राइट दिस इज वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर दीज आर वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस वी कैन राइट दिस इज एम इंटू डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। इफ यू एबल टू फाइंड आउट एंड मल्टीप्लाई बाई मास सो वी गेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो एफ नेट। तो ये है इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम के लिए वी टेक द फाइनल वेलोसिटी एंड सब्सट्रैक्ट इनिशियल मोमेंटम। दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू रिटन सम आई जे के इस तरह से लिखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ आई जे के, सो आई कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। Suppose if I want to write the equation x direction, so for x direction अगर मुझे equation लिखना है, so what I will write, so I will write the net force on the x direction sigma f x, जो भी forces which are acting in the x direction it is equal to mass and what will be the change in velocity, so I will write v x 2 फाइनल वेलोसिटी को आई एम कॉलिंग एज ए टू, सो वी एक्स टू दैट मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड टू फॉर फाइनल माइनस वी एक्स वन। ऑल राइट, मास इंटू फोर्स क्या होगा इन द एक्स डायरेक्शन, मास मास लिखा है एंड चेंज इन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए वी एक्स टू क्या है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में देखना है एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी है, सो यू कैन वी कैन राइट, सो आई कैन राइट सिग्मा एफ वाई, वाई डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे, सो इट विल बी एम एंड नाउ द चेंज इन वेलोसिटी विल बी इन वाई डायरेक्शन, सो आई विल राइट वी वाई टू फाइनल वेलोसिटी, वाई मीन्स डायरेक्शन, वी वाई टू माइनस वी वाई वन। ऑलराइट,
यहाँ पे वी एक्स टू माइनस वी एक्स वन, हेयर वी वाई टू माइनस वी वाई वन। एंड सपोज अगर आपको जेड डायरेक्शन में लिखना है, इन दी जेड डायरेक्शन, सो दैट सिग्मा एफ जेड दिस विल बी एम डॉट एम वी जेड टू माइनस वी जेड वन। दिस इज हाउ वी राइट मोमेंटम इक्वेशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। दिस इज रिटन इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन वाई डायरेक्शन, दिस इज इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज फॉर जेड डायरेक्शन। और अगर इन तीनों को कंबाइन करें तो यू गेट दी एफ नेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ नेट इन एनी डायरेक्शन, एफ नेट इज इक्वल टू एम एंड फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, और यू डिवाइड बाई टाइम बिकॉज इट्स लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम को तो लेना ही, बट डिवाइड बाई टाइम, सो हियर विल गेट एम डॉट कर देते हैं। सो एम डॉट दैट मीन्स मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है सो लेट मी राइट, इसको इस तरह से लिखेंगे। एंड यहाँ पे रह गया बिकॉज रेट है ना, सो वी हैव टू डिवाइड बाई टाइम। दिस इज फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये भी हो जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा टी एंड डिवाइड बाई डेल्टा टी, एम डॉट डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे भी एम डॉट, यहाँ पे भी लेट इसको क्या रिप्लेस कर लेते हैं, एम बाई डेल्टा टी वी कॉल्ड एज अ मास फ्लो रेट एंड सिंपली वी रिप्लेस इट बाई एम डॉट। जहाँ जहाँ पे भी एम डॉट दिखेगा वी कॉल दिस इज अ मास फ्लो रेट, तो यहाँ पे भी डॉट कर लेते हैं, एम डॉट एंड एम डॉट, ठीक है। क्योंकि दिस इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने क्या लिखा, ओनली सिंपली चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब ये दिस मोमेंटम जो चेंज हुआ है, इस चेंज होने में व्हाट इज दी टाइम टेकन बाय दी सिस्टम, सो वी हैव टू डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा टी से उसको डिवाइड कर देना है। सो एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी दिस इज योर फोर्स। सो ठीक है, सो एग्जाम्पल सपोज सपोज आपके पास कोई कार है, सपोज दिस इज योर कार, यहाँ पे यू हैव अ कार एंड दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी, लेट वी आर कॉलिंग वी कॉल्ड एज अ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है। आफ्टर लेट आफ्टर फाइव आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में लेट दिस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इंक्रीजेस अप टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम टेकन 10 सेकेंड, ऑलराइट। 10 सेकेंड में द स्पीड ऑफ दिस कार, वेलोसिटी ऑफ दिस कार इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, सो ऑब्वियसली देयर इज अ फोर्स, फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस कार, ठीक है। कोई तो फोर्स है जो इस कार के ऊपर वर्क कर रहा है, तभी तो इसकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं, 10 से 20 हो गया। सो बिकॉज ऑफ देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, सो वो फोर्स कितना होगा दैट वी कैन कैलकुलेट। सो एफ इज इक्वल टू लेट एम लिख दिया, मास लिख दिया, डेल्टा वी, सो डेल्टा वी क्या होगा, 20 माइनस 10, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये है फाइनल वी एफ एंड दिस इज वी आई इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, टाइम इज गिवेन 10 सेकेंड। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई टाइम, सो दिस विल बी योर फोर्स एम। अगर इसको देख लो तो सो इट विल कम आउट एफ इज इक्वल टू, अगर मास कुछ ले लें, सो एम इन टू 10 ओवर 10, सो दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड विल बी इन न्यूटन, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, और ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग, रिमेंबर व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज द फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, ऑन द कार, ऑन द सिस्टम, इस तरह से बोल सकते हैं, दिस इज ऑन द सिस्टम। सो उसके लिए वी विल टेक
फाइनल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट गिव्स क्या देगा वो, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑन दिस सिस्टम, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑन दिस सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम। सो अगर हम जेड के लिए लिखेंगे तो जेड के लिए क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द जेड। अगर इसी की जगह पे, अगर मैं कार की जगह पे अभी मैं बोलूं वी हैव अ जेड, जेड है विच इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ जेड इट रिड्यूसेस टू 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर से घट के क्या हो जा रहा है, 5 मीटर इन 10 सेकेंड। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द जेट, ऑन द जेट। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो एम डॉट एम एम सॉरी एम एंड फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 एंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। ठीक है, एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, देन वी गेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। बट हमें जो कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, ऑन एंड बाय में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ऑन का मतलब एंड बाय का मतलब क्या है। सो व्हेन दिस जेट विल स्ट्राइक ऑन अ प्लेट, जब ये प्लेट पे स्ट्राइक करेगा ये जेट जाके, व्हेन स्ट्राइक ऑन दिस प्लेट, सो इट विल एग्जर्ट फोर्स, क्यों एग्जर्ट करेगा, सो इट विल ट्रांसफर इस मोमेंटम टू दिस फिक्स प्लेट, ये जो जो प्लेट है उस प्लेट को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। एंड न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या होगा, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो इफ दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द जेट, सो व्हाट विल बी द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट, सो बाई दी जेड विल बी माइनस ऑफ दिस, बाई दी जेड में क्या होगा, जो हमने ये कैलकुलेट किया, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन दिस सिस्टम, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट इज ऑन दिस सिस्टम। बट बाई दिस सिस्टम के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जेड ने कितना फोर्स एग्जर्ट किया, सो वो कैसे लिंक लेगा, इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, सेम इस सिस्टम के मोमेंटम में चेंज होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी विल यूज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो क्या लिखना है हमको, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम लिखना है, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट, ऑन द जेट का समझा दिया, दिस इज द कार, इतना फोर्स लग रहा है ऑन द कार, बट अगर ये कार की कहीं से स्ट्राइक हो जाती, किसी वॉल पे जाके स्ट्राइक हो जाती है, कार पे कितना फोर्स लगेगा, कार ने कितना फोर्स लगा, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द कार, सो बाय द कार के लिए इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ऑन द सिस्टम एंड इनिशियल माइनस फाइनल बाय द सिस्टम। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, लेट मी एक बार फिर से यहां पे लिख देता हूं, सो बिकॉज ये बार बार हम यूज करेंगे, सो वी विल राइट क्या लिखेंगे, व्हाट इज द फोर्स, लेट मी रिमूव, सो फोर्स फोर्स एग्जर्टेड बाय दी जेट, सो फोर्स एग्जर्टेड बाय दी जेट के लिए हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड डिवाइडेड बाय टाइम, सो दिस विल बी द फोर्स। यहां पे इनिशियल माइनस फाइनल करना है, जबकि फोर्स के लिए क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्यों, दिस इज फोर्स एग्जर्टेड बाय द सिस्टम है, अगर ऑन दी सिस्टम पूछा होता देन इट इज इनिश फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल कब लिखना है, फॉर ऑन दी सिस्टम। सो लेट अस मूव टू सम केसेस वेयर वी हैव अ स्टेशनरी फ्लैट प्लेट
हेल्ड नॉर्मल टू दी जेड, यहाँ पे दिस इज योर स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है, लेट दिस इज फिक्स्ड, हमने इसको फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स्ड, दिस प्लेट इज फिक्स्ड एंड दिस इज फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट एंड दिस वी हैव अ नोजल एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू अ पाइप, लेट दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ पाइप, कनेक्टेड, हमने इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से जेड आएगा, सो जेड किस तरह से आएगा, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, एक सर्कुलर जेड यहाँ से निकलेगा एंड इट विल मूव लाइक दिस, ये इस तरह से मूव करेगा एंड इट विल स्ट्राइक ऑन द प्लेट, ये इस तरह से जाके प्लेट पे स्ट्राइक करेगा, ऑल राइट ठीक है, एंड लेट जो डायमीटर ऑफ द जेड वी कॉलिंग दिस इज डी, सो स्मॉल डी क्या है, लेट मी राइट हियर, सो स्मॉल डी इट इज द डायमीटर ऑफ जेड, दिस इज डायमीटर ऑफ जेड एंड लेट इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, सम वेलोसिटी कैपिटल वी, सो कैपिटल वी इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेड, ऑलराइट, सो ये जेड वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमारा टारगेट है वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दी जेड, बाय दी जेड ऑन दिस स्टेशनरी प्लेट, इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो अगेन सेम वही इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएंगे, सो वी विल राइट फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय दी जेड कितना फोर्स लगाएगा, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ जेड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ जेड, अब ये कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, सो दिस विल बी, लेट दिस इज एक्स डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन सेट कर दिया, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज एक्स एंड वाई, सो जब ये जेड स्ट्राइक करेगा इस प्लेट के ऊपर, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये आधा इस साइड मूव कर जाएगा एंड फाइनली ये जेड इस साइड मूव कर जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाए बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एंड लेट वी आर एज्यूमिंग देर इज नो फ्रिक्शनल लॉस, नो फ्रिक्शनल लॉस कैलकुलेशन में देर इज नो फ्रिक्शनल लॉस, सो बिकॉज ऑफ दैट जितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से इट विल स्ट्राइक इट, सो इट विल हिट द प्लेट विथ वेलोसिटी कैपिटल वी एंड आफ्टर दैट हाफ ऑफ द जेड इट विल गो अप साइड एंड हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द जेड इट विल गो डाउन साइड, बट द वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी वी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि व्हेन इट मूव, व्हेन द जेट विल मूव ऑन दिस प्लेट देर इज नो फ्रिक्शन एंड नो फ्रिक्शन की वजह से देर इज नो फ्रिक्शनल लॉसेस, सो किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस वेलोसिटी इज वी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सो द फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन दिस जेड इन एक्स डायरेक्शन, जेड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सो जेड विल एक्सर्ट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और यहाँ पे वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द मास फ्लो रेट थ्रू दिस नोजल, सो पहले ये टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, मास फ्लो रेट थ्रू नोजल, नोजल से कितनी क्वांटिटी का वाटर फ्लो हो रहा है, सो दैट इज मास रेट है तो मास डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट सेकेंड, ये याद रखना, दिस मास पर यूनिट सेकेंड, मास क्या होता है, सो मास होता है डेंसिटी, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऑल राइट, मास क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय टाइम,
ठीक है, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम अपॉन टाइम को वी से दिस इज दी वॉल्यूम फ्लो रेट, डेंसिटी इनटू दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना लीटर पानी पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। सो मास फ्लो रेट को सिंपली, मास फ्लो रेट को वी रिप्रेजेंट एज एम डॉट, डॉट लगाने का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एम डॉट केजी पर सेकेंड। अगर केवल एम लिखा है दैट मीन्स केजी, बट इफ इट इज एम डॉट दैट मीन्स केजी पर सेकेंड। सो आई कैन राइट एम डॉट, क्या लिख सकता हूँ, सो एम डॉट विल बी रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, सो फ्लो रेट मीन्स क्यू डॉट, या क्यू ही लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट। ऑल राइट, एम ठीक है, एम डॉट इज इक्वल टू रो इनटू क्यू, और क्यू क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है, दिस इज रेट। हाँ अगेन रिमेंबर दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। सो कितना केजी यहां से वाटर फ्लो हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो इनटू क्यू क्या होगा, मास वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होता है, सो उसका भी फॉर्मूला है, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, सो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, ए इनटू वी। वॉल्यूम क्या होता है, सो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, किसी का भी अगर मुझे लिखना है सो हाउ आई विल राइट, सो आई विल राइट एरिया इनटू हाइट और लेंथ एंड डिवाइडेड बाय रेट है तो डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इट बिकम्स वेलोसिटी, सो वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू, क्यू इज इक्वल टू ए इनटू वी, सो मास फ्लो रेट एम डॉट इट बिकम्स रो एंड ए वी। सो ये क्वांटिटी ये हमको रिमेम्बर रखना है, एम डॉट इज इक्वल टू रो ए वी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, एरिया एंड वेलोसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी, दिस इज हाउ वी विल राइट मास फ्लो रेट थ्रू नोजल। ठीक है, मास फ्लो रेट थ्रू नोजल कैसे लिखेंगे, एम डॉट मास पर सेकेंड, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट, एंड द वॉल्यूम फ्लो रेट इज एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया दिस इज योर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कैसे लिखेंगे, नोजल का एरिया कैसे लिखेंगे, ये एरिया कैसे लिखेंगे नोजल का, सो फॉर दैट वी यूज द डायमीटर ऑफ द जेड, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, सो इट विल बी पाई बाई फोर एंड डी स्क्वायर, वेयर वेयर डी इट इज द डायमीटर ऑफ जेड। ये एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल और थ्रू आउट इट विल रिमेन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी इट इज फॉर्म, ये इस तरह का जेड का जो सेक्शन होगा सर्कल होगा, यहाँ पे भी इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। सो ये तो एम डॉट की बात हो गई, एम डॉट किस तरह से लिखेंगे, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, एंड हाउ विल राइट एरिया, फॉर दैट वी यूज द डायमीटर ऑफ द जेड एंड इट विल बी पाई बाई फोर डी स्क्वायर। सो लेट अस राइट वॉट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई द जेड, सो फोर्स एक्सर्टेड बाई दी जेड क्या लिखेंगे, सो वी विल राइट इन इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो वी विल राइट दी फोर्स फोर्स एक्सर्टेड बाई दी जेड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में उसने कितना फोर्स लगाया, सो आई विल राइट एफ एक्स, सो इट विल बी एम डॉट, वॉट आई विल राइट, आई विल राइट वी एक्स वन माइनस वी एक्स टू। ऑल राइट, एम डॉट का मतलब मास फ्लो रेट पर सेकेंड, फ्लो रेट पर सेकेंड, वी एक्स वन, वी एक्स वन का मतलब है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेड, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेड इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, सो वी एक्स वन इनिशियल एंड वी एक्स टू फाइनल।
सो लेट अस राइट, जब सो जब ये प्लेट है, दिस इज योर फिक्स प्लेट, ये फिक्स कर दिया, एंड दिस जेड इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा एट द सेंटर ऑफ द, एंड फाइनली इट मूव्स अपवर्ड, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से, दिस इज वी, दिस इज वी एंड दिस इज वी। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी एक्स की डायरेक्शन में, वी एक्स वन क्या है, दिस इज योर वी, स्टार्टिंग में जेड कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी, सो वी एक्स वन इज वी। वट इज वी एक्स टू, वी एक्स टू दैट मीन्स आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस प्लेट, जब जेड ने इस प्लेट को स्ट्राइक किया फाइनली एक्स की डायरेक्शन में, इट डज नॉट हैव एनी वेलोसिटी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो गई, वाई डायरेक्शन में, सो वी एक्स टू इट इज जीरो। ठीक है, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में स्टार्टिंग में कितना है, वी, स्टार्टिंग में वी है, बट आफ्टर हिटिंग द प्लेट जेड स्टार्ट्स मूविंग इन वाई डायरेक्शन, बिकॉज ये फिक्स है, ये दिस इज फिक्स्ड, सो इट स्टार्ट मूविंग इन वाई डायरेक्शन। सो एक्स कंपोनेंट में अभी एक्स डायरेक्शन में वी डू नॉट हैव एनी वेलोसिटी, सो वी एक्स टू दैट बिकम्स जीरो। सो आई विल राइट एफ एक्स विल बी एम डॉट वी एक्स वन, सो वी एक्स वन वी एंड वी एक्स टू इज जीरो। ऑलराइट, वी एक्स वन की जगह पे क्या लिखा, वी एंड वी एक्स टू जीरो, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स, एंड वट इज एम डॉट, सो एम डॉट इज रो ए एंड वी, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई वी, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाई दिस जेड इट विल बी रो ए वी स्क्वायर, सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई दी जेड ऑन दिस प्लेट, किस डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सो ऑलवेज वी विल टेक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, सो दिस इज द केस ऑफ द स्ट्रेट फ्लैट फ्लैट प्लेट व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द जेड, ये एंगल क्या है, दिस इज योर 90 डिग्री, जब ये प्लेट क्या है, दिस इज 90 डिग्री प्लेस किया हुआ है, सो इन दैट केस द फोर्स एक्सर्टेड बाई द जेड विल बी रो ए वी स्क्वायर। सो लेट अस इंक्लाइन दिस, लेट सेकेंड केस व्हेन दिस प्लेट इज इंक्लाइन, अगेन दिस जेड कमिंग आउट थ्रू दिस नोजल इज कैपिटल वी, कैपिटल वी से बाहर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ दिस जेड, एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू अ पाइप, दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ पाइप, अगेन दिस स्मॉल डी इट इज द डायमीटर ऑफ जेड, स्मॉल डी इट इज द डायमीटर ऑफ जेड, कैपिटल वी इट इज द वेलोसिटी ऑफ जेड, वेलोसिटी ऑफ जेड। ऑल राइट, वॉट विल बी द मास फ्लो रेट थ्रू दिस जेड, आई कैन राइट द मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इट इज एम डॉट, एम डॉट कितना होगा, रो ए एंड वी। ऑल राइट, मास फ्लो रेट ये इस तरह से होगा। नाउ दिस प्लेट, लेट दिस एंगल इज थीटा, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द जेड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस लेट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एंड वाई। ऑल राइट, जब ये स्ट्राइक करेगा, सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय दी जेड, नॉर्मल फोर्स पहले निकालते हैं, नॉर्मल फोर्स कैसे होगा, सो दिस विल बी दी, व्हाट दिस विल बी दी नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज एफ एन, जेड की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, सो एफ एन, एफ एन दिस इज दी नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट। ठीक है, एफ एन नॉर्मल फोर्स, सो नॉर्मल फोर्स के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड इन द नॉर्मल डायरेक्शन, सो अगेन वी विल एफ एक्स की जगह पे नाउ विल राइट एफ इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू
एम डॉट, और फिर क्या लिखूंगा, वी एन वन माइनस वी एन टू। ऑलराइट, जैसे पहले हमने एक्स के लिए क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम डॉट वी एक्स वन माइनस वी एक्स टू, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड माइनस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सो सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इन द नॉर्मल डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। सो ये जो वेलोसिटी दी हुई है दिस इज इन एक्स डायरेक्शन एंड वी वॉन्ट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी इन इन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। सो क्या करेंगे, सो यहाँ से वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस तरह से, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री। ये क्या है, दिस इज योर वी, दिस इज योर वी। नाउ यू कैन सी हियर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बना है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एफ। ये क्या हो गया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल राइट, ये एंगल कितना होगा, यू कैन फाइंड आउट, दिस एंगल विल बी, इसकी जरूरत नहीं है अभी, सो नो प्रॉब्लम, इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। सो ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, सो ये कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दिस विल बी थीटा। ये प्लेट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेट एंड दिस इज, ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। सो ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, ये कितना होगा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ऑल राइट, 90 माइनस थीटा। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल से व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा, सो दिस विल बी वी एंड दिस विल बी कॉस 90 माइनस थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल, और इसका कंपोनेंट लेंगे, एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी वी कॉस 90 माइनस थीटा। वी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी वी साइन थीटा, 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा। सो इनिशियल वेलोसिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, इट इज वी साइन थीटा। आफ्टर दैट ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, वन पार्ट गो अपसाइड एंड वन पार्ट ऑफ द जेड गो डाउन साइड, ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। सो वी एन वन क्या लिखेंगे, सो वी एन वन इट इज वी साइन थीटा। एंड व्हाट विल बी वी एन टू, आफ्टर स्ट्राइकिंग नॉर्मल डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, ये इस साइड मूव कर जा रहा है, ये इस साइड मूव कर जा रहा है, सो अगेन द वेलोसिटी विल बी सेम, दिस विल बी वी एंड वी, नो फ्रिक्शनल लॉसेस, नो लॉस। सो वी एंड टू इट इज जीरो, सो आई कैन राइट व्हाट विल बी एफ एन, सो एफ एन द फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन विल बी एम डॉट विल बी रो ए वी एंड वी एन वन विल बी वी साइन थीटा माइनस जीरो। सो आई विल राइट एफ एन इट इज रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन वन। बट हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स एग्जर्टेड बाई जेड इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई किसी भी डायरेक्शन में, यू कैन फाइंड आउट। हमने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेड इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल बिकॉज ये जो फोर्स लग रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट किसकी वजह से होगा, प्रेशर, और प्रेशर की वजह से फोर्स क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सो पहले हम कैलकुलेशन नॉर्मल टू द सरफेस का करेंगे, सो नॉर्मल टू द सरफेस मीन्स फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस कैलकुलेट करेंगे, एफ एन। नाउ वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ एफ एन, सो मेरा ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, लेट दिस इज द प्लेट और ये 90 डिग्री है, दिस इज एफ एन, दिस इज एफ एन, एफ एन। ऑल राइट, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा।
सो अभी मैं इस एफ एन को रिजॉल्व कर सकता हूँ. सो वन कंपोनेंट विल बी अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन एंड वन कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर अलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन. एक कंपोनेंट इधर आएगा एंड वन कंपोनेंट विल बी, सो दिस विल बी एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, इसको ऐसे देख लो कि ये इस तरह से है और ये एंगल बना रहा है. दिस इज योर एंगल 90 माइनस थीटा. तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, दिस विल बी सपोज इफ दिस इज एफ और ये थीटा है, तो ये कितना होगा एफ कॉस थीटा, और ये कितना होगा दिस विल बी योर एफ साइन थीटा. बट यहाँ भी क्या है 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी योर एफ एन साइन 90 माइनस थीटा. सो एफ एन को मैंने रिजोल्व कर लिया. सो वी हैव रिजोल्व एफ एन अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई. सो नाउ आई विल राइट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. सो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन दैट इज एफ एक्स. सो व्हाट विल बी एफ एक्स. सो एफ एक्स विल बी एफ एन एंड कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स एफ एन साइन थीटा. ऑल राइट, एस 90 माइनस थीटा एफ एन साइन थीटा. एंड व्हाट इज एफ एन. एफ एन हमने इक्वेशन वन से कैलकुलेट किया है. सो व्हाट विल बी एफ एक्स. एफ एक्स विल बी रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा. दिस इज एफ एक्स एफ एन इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा. सो दिस विल बी रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. दैट दिस इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, पहले हमने नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट किया. फॉर नॉर्मल फोर्स वी हैव टेकन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, तो उससे हमने एफ एन कैलकुलेट किया. बट फॉर एफ एक्स एंड एफ वाई अगेन वी हैव टू टेक रिजॉल्व दिस एफ एन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन. सिमिलरली फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होगा. सो एफ एन का कंपोनेंट कितना है एफ एन साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा दिस विल बी एफ एन साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा. और एफ एन की वैल्यू रखेंगे एफ एन इज रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा. दिस इज योर एफ एन फ्रॉम इक्वेशन वन इंटू साइन थीटा. सॉरी नॉट साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा. सो दिस विल कम आउट रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड इन वाई डायरेक्शन. सो एक्स एंड वाई का इक्वेशन, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड इन वाई डायरेक्शन. आप इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो. इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू सो यू गेट रो ए वी स्क्वायर एंड साइन टू थीटा की जगह पर नाउ इट इज साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा. साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. सो रो ए वी स्क्वायर ओवर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड इन वाई डायरेक्शन. ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर से देख लो. कैसे कैलकुलेट किया, फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट द फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन. सो फॉर दैट वी हैव रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन. फॉर दैट यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया. दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा और इसका एक कंपोनेंट क्या होगा वी कॉस 90 माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा. सो इनिशियल वेलोसिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन वी साइन थीटा. फाइनली इट बिकम्स यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं. सो वी एन वन टू विल बी जीरो. सो वी एन टू जीरो, वी एन वन वी साइन थीटा. एफ एन कैलकुलेट कर लो. सो रो ए वी स्क्वायर साइन टू साइन थीटा और इस डायरेक्शन में एफ एन है. ये मेरा प्लेट है, दिस इज एफ एन एंड दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. सो टेक इट्स कंपोनेंट, दिस विल बी कॉस एंड दिस विल बी साइन.
सो कॉस एंड साइन अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन. ऑल राइट, लेट्स वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट वॉट इज द क्वान्टिटी ऑफ द फ्लो फ्लूड फ्लोइंग थ्रू अपसाइड एंड डाउन साइड. अपसाइड और डाउन साइड में कितना वाटर फ्लो हो रहा है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज ये प्लेट है और यहाँ से वी वेलोसिटी से इट वॉज मूविंग, दिस इज द वी, एंड लेट द इनिशियल क्वान्टिटी इज क्यू, वॉल्यूम इज क्यू. आफ्टर स्ट्राइकिंग इट मूव्स अप साइड में कितना जा रहा है, लेट वी आर कॉलिंग एज ए क्यू वन, एंड द डाउन साइड इट इज क्यू टू. कितने लीटर पर सेकेंड पानी वाटर ऊपर मूव कर रहा है, क्यू वन लीटर पर सेकेंड और क्यू वन क्वांटिटी, एंड डाउन साइड क्यू टू, एंड इनिशियल जो है इट इज क्यू. सो फर्स्ट वी, तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू वन और क्यू टू कितने हैं. सो अगेन दिस इज द वेलोसिटी विल बी वी, और ये कंपोनेंट कितना होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल. ये कंपोनेंट कितना हो गया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा. दिस कंपोनेंट विल बी, ये कंपोनेंट कितना होगा, वी साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, वी साइन थीटा. और ये कंपोनेंट कितना होगा, दिस विल बी वी कॉस थीटा. नहीं समझा, एक बार फिर से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया, ये इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है. ये जो है दिस इज वी, ये एंगल कितना है, ये एंगल तो 90 है, दिस इज 90, ये एंगल है 90 माइनस थीटा. सो वी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन ये कितना होगा, दिस विल बी वी कॉस 90 माइनस थीटा, और इट इज वी साइन थीटा. और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, सो दिस विल बी वी साइन 90 माइनस थीटा, और यू कैन राइट दिस इज वी कॉस थीटा, दिस इज वी कॉस थीटा. सो लेट अस राइट फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे. फर्स्ट वी विल राइट द इक्वेशन हाउ टू कैलकुलेट क्यू वन एंड क्यू टू. सो फॉर दैट कंजर्वेशन ऑफ मास पहले लिखेंगे, कितना मास आ रहा है, सो लेट मी कॉल दिस इज एम, एम डॉट, इट इज डिवाइडेड एम वन डॉट प्लस एम टू डॉट. ठीक है, एक पोर्शन ऊपर गया, वी कॉलिंग दिस इज एम वन डॉट, एंड डाउन में आया दिस इज एम टू डॉट. रख लो इसको, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एम डॉट रो इंटू क्यू इज इक्वल टू रो इंटू क्यू वन प्लस रो इंटू क्यू टू. एम एम डॉट क्या लिखेंगे, रो इंटू क्यू, रो रो कैंसिल हो जाएगा, सो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू. सिंपली ये भी यूज कर सकते हैं इसे, बट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज इक्वेशन नंबर वन. सेकेंड क्या यूज करेंगे, सेकेंड यूज करेंगे मोमेंटम प्रिंसिपल. सो मोमेंटम अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग में मोमेंटम लिखना है, कोई हमने फोर्स नहीं लगाया, सो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो. सो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, दैट इज इनिशियल, कैसे लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. ऑलराइट, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल कर देंगे हम. सो इनिशियल मोमेंटम कितना है एक्स डायरेक्शन में, कितना है इनिशियल मोमेंटम, कितना है एक्स डायरेक्शन में. सो एक तो ये वी कॉस थीटा जो है, दिस इज अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन वी आर राइटिंग, सो अलोंग द प्लेन का डायरेक्शन क्या है, सो दिस इज द डायरेक्शन अलोंग द प्लेन, ये डायरेक्शन में हमको लिखना है, इस डायरेक्शन में लिखना है अलोंग द प्लेन. सो वी कॉस थीटा एक तो है, और दूसरा ये है दिस इज वी, ये क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है. सो आई विल राइट व्हाट इज एम, एम डॉट एंड वी कॉस थीटा,
वी कॉस थीटा प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे, सो वी विल राइट एम वन डॉट एंड विथ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल की बजाय लेट बी राइट दी मोमेंटम अलोंग दी प्लेन ही डायरेक्टली लिख लेते हैं, इनिशियल नेट मोमेंटम राइट नॉट इनिशियल फाइनल. So this let this is positive direction and this becomes negative. So I will write this is negative and what will be that minus m2 dot into v is equal to 0. ठीक है, या एक साइड का मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम एंड नेगेटिव मोमेंटम यू कैन से इक्वल कर दिया. नाउ m डॉट क्या लिखेंगे, रो इंटू क्यू वी कॉस थीटा प्लस रो क्यू वन वी माइनस रो क्यू टू वी इज इक्वल टू जीरो. और इसको उस साइड ले लो, वी वी कैंसिल हो जाएगा, रो रो कैंसिल हो जाएगा, रो विल बी कैंसल आउट, वी विल बी कैंसल आउट. सो इफ वी टेक दीज टू टर्म राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी क्यू टू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा. This is equation number 2. ठीक है, हमने ये इक्वेशन कैसे लिखी, मोमेंटम अलोंग द प्लेन. सो दो वेलोसिटी जो है, दिस इज अपसाइड है, एक साइड लिखा हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, दो वेलोसिटी अपसाइड, वन इज डाउन साइड. सो दिस इज द मोमेंटम बिकॉज ऑफ द वी कॉस थीटा. वी कॉस थीटा के लिए मास क्या लेंगे, एम डॉट, एंड इसके लिए वेलोसिटी मास क्या लेंगे, एम वन डॉट, एंड फॉर डाउन साइड एम टू डॉट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर टू एड कर दो इसको, एड इक्वेशन वन एंड टू. सो वन एंड टू को एड करोगे, सो व्हाट वी गेट, क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू, एंड क्यू टू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा. एड कर दो, सो माइनस क्यू वन दिस विल बी कैंसल आउट, ट्वाइस ऑफ द क्यू टू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस कॉस थीटा, क्यू कॉमन हो जाएगा, और वी कैन राइट क्यू टू इज इक्वल टू क्यू ओवर टू वन प्लस कॉस थीटा. दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर विच इज फ्लोइंग डाउन साइड. सिमिलरली आप माइनस कर लो इसको, क्यू वन माइनस, इसको माइनस करने पे क्या आ जाएगा, क्यू टू कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट क्यू वन. Q1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 कर ले, सो लेट मी राइट Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q cos थीटा. और सेकेंड इक्वेशन क्या है, Q2 प्लस Q फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू Q. अब इसमें मुझे Q2 नहीं चाहिए, सो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. So this will be cancel out. Q2 will be cancel out. So we get 2Q1 is equal to Q1 minus cos theta. So from here we get Q1. Q1 कितना आ जाएगा? Q by 2, 1 minus cos theta. Simply mathematics है, you can do. So this is Q1 and this is Q2. So Q1 by Q2 का ratio you can find out. Q1 over Q2 क्या आ जाएगा, सो लेट मी राइट Q1 over Q2, सो आई कैन राइट Q1 डिवाइडेड by Q2, सो दिस विल बी Q1 के केस में क्या है, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा एंड डिवाइडेड by 1 प्लस cos थीटा. Let's do problem, and it is saying a jet of water having diameter 20 mm strikes on this size of the plate and the thickness uniform thickness with a velocity of 10 meter per second at the center of the plate, which is suspended vertically at the hinge on the top horizontal edge.
वेट ऑफ द प्लेट दिया हुआ है, द जेड स्ट्राइक नॉर्मल टू द प्लेट। सो यहाँ पे आपको एक प्लेट दिया हुआ है, दिस इज योर प्लेट। सो वी हैव अ प्लेट, लेट मी इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट दिस, नहीं यहाँ चाहिए, सो लेट दिस इज अ प्लेट। ऑल राइट, यहाँ पे जेट है विच इज कमिंग आउट थ्रू वेलोसिटी वी एंड इट इज सेंट्रली स्ट्राइक द प्लेट, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। द साइज ऑफ द प्लेट दिया हुआ है, तो साइज ऑफ द प्लेट कितना है, 200 200, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द जेड दिया, क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 20 mm। सो 20 mm दैट मीन्स 0.02 मीटर। लेंथ कितना है प्लेट का, लेंथ इज 200 mm, 200 mm। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द जेड वी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द वेट ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट का वेट जो है दैट इज 98 न्यूटन। ये जो प्लेट है इसका वेट दिया हुआ है, सो वेट ऑफ द प्लेट 98 न्यूटन, दैट मीन्स एम इंटू जी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 98 न्यूटन। ठीक है, सो फर्स्ट केस में फाइंड करना है व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द लोअर एंड ऑफ द प्लेट सो दैट प्लेट इज केप्ट वेट वर्टिकल। अब जब ये जेड, इसको यहाँ से जेड जो जा रहा है, व्हेन इट हिट दिस प्लेट, सो ऑब्वियसली इट विल एग्जर्ट सम फोर्स, और इस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या है, दिस इज हिंज, इट कैन स्विंग, इस तरह से स्विंग हो सकता है, सो इट विल स्विंग। बट इस प्लेट को वर्टिकली हेल्ड ही रखना है, वर्टिकली प्लेस करने के लिए वी हैव अप्लाइड सम फोर्स हियर, कहाँ पे बोला है, एट द लोअर एज, तो यहाँ पे हमने फोर्स लगा के रखा है, सो दिस इज एफ, सो दैट दिस प्लेट रिमेन वर्टिकल। सो हमको ये एफ कैलकुलेट करना है फर्स्ट केस में। सो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड, जेड ने कितना फोर्स लगाया, सो इट इज हेल्ड इन, नॉर्मली प्लेस किया हुआ है, सो व्हाट इट विल बी फोर्स, रो ए वी स्क्वायर। रख लो रो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर 10^3, एरिया कितना होगा पाई बाई 4, एंड द डायमीटर ऑफ जेड, डायमीटर ऑफ जेड 0.02 स्क्वायर, सो दिस इज योर एरिया। वेलोसिटी कितना है जेड का, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो इसको, 10^3, 10^3 इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 इंटू 0.0004 इंटू 100। ऑल राइट, सिंप्लीफाई करने के बाद में इट विल कम्स आउट 31.4 न्यूटन। सिंपल, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेड कितना आया, रो ए वी स्क्वायर, क्यों, इट इज नॉर्मली हेल्ड है, सो नॉर्मल कंडीशन में है, सो रो ए वी स्क्वायर। अब ये प्लेट स्टेशनरी रहे, सो लेट दिस पॉइंट इज ओ, सो क्या क्या यूज करेंगे, हमने इधर से फोर्स लगाया, इसकी वजह से मोमेंटम किधर आएगा, ये इस तरह से मोमेंटम होगा, और इसकी वजह से किधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस साइड फोर्स लगेगा, मोमेंटम लगेगा, मोमेंटम इक्वेट करते, सो मोमेंटम मोमेंटम मोमेंट नॉट मोमेंटम मोमेंट अबाउट 0.O, O के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो अगर हम O के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इस फोर्स की वजह से, दिस इज योर Fn, Fn की वजह से किधर मोमेंट जाएगा, Fn की वजह से मोमेंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और F की वजह से मोमेंट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल। और मोमेंट के लिए क्या लिखेंगे, Fn इनटू कितना डिस्टेंस है, सो टोटल लेंथ इज 200 mm, सो दिस लेंथ विल बी 100 mm, ये कितना हो जाएगा 100 mm, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Fn मल्टीप्लाई 0.1,
एफ एन कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, इतनी डिस्टेंस पर लग रहा है फ्रॉम ओ। सो एफ एन इंटू पॉइंट वन इज इक्वल टू एफ इंटू, एफ कितना डिस्टेंस पर लग रहा है, सो दिस इज द डिस्टेंस, सो इट इज पॉइंट टू, 200 mm, सो पॉइंट टू। सो वट विल बी एफ, सो एफ विल बी एफ एन इंटू पॉइंट वन डिवाइडेड बाई पॉइंट टू, ऑल इट इज एफ एन बाई टू। नॉर्मल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, दिस 31.4 एंड डिवाइडेड बाई टू, सो यू गेट 15.7 न्यूटन। सो दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा एट द बॉटम ऑफ द प्लेट टू कीप दिस प्लेट वर्टिकल। सिंपली मोमेंट को क्या कर देना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, और मोमेंट के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इस फोर्स का एफ एन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 100 mm, एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 200 mm। ये किधर लगेगा, एफ एन इंटू ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। सो क्लॉक वाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट को इक्वल करके यू कैन फाइंड आउट। सो ये तो फर्स्ट पार्ट में रहा। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द प्लेट इज अलाउड टू डिफ्लेक्ट फ्रीली, अगर ये प्लेट फ्रीली डिफ्लेक्ट हो जाए, सो व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेट विथ वर्टिकल ड्यू टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेड। सो सेकेंड केस में ये प्लेट जो है ये मूव कर जाएगी। सो लेट मी ड्रॉ, दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ दिस प्लेट जब ये वर्टिकल है, एंड दिस इज दी जेड, जेड विथ वेलोसिटी वी, ऑल राइट, ये इस तरह से हिट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये प्लेट स्विंग हो गई एट सर्टेन एंगल, दिस एंगल इज थीटा, थीटा एंगल स्विंग हो गया, लेट दिस पॉइंट इज ओ। इनिशियल में क्या वी आर कॉलिंग दिस, लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द प्लेट इज ए एंड द लोअर पॉइंट ऑफ द प्लेट इज बी। सो ओ ए कितना होगा, ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 100 mm, ये दिया हुआ है 100 mm। जेड को लेट मी राइट, जस्ट करेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, यहाँ पे हिट कर रहा है, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस वेलोसिटी इज वी, यहाँ से वेलोसिटी क्या है, वी। सो ये तो स्टार्टिंग में रहा इनिशियली, अभी जेड कहाँ पे प्लेट को हिट कर रहा होगा, अभी ये कंडी यहाँ पे हिट कर रहा होगा, व्हेन ये फ्रीली मूव हो गया, सो दिस पॉइंट नाउ वी आर कॉलिंग, लेट दिस इज ए नॉट ए, लेट दिस इज सी, ठीक है, स्विंग हो गया, ये किस में मूव कर जाएगा, ये दिस विल मूव ऑन ए सर्कल, ये पॉइंट किस में मूव कर जाएगा, दिस विल मूव ऑन ए सर्कल, सो अभी यहाँ पे बी है, दिस इज द बी, मिड पॉइंट ए था, अभी वो कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, मिड पॉइंट ऑफ द प्लेट यहाँ पे होगा, लेट दिस इज ए डैश बोल देते हैं, ए डैश दिस इज बी डैश, ए डैश बी डैश विल बी सेम, ए और ए डैश जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ए और ए डैश दिस इक्विवेलेंट पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द प्लेट एंड दिस इज द लोअर एंड ऑफ द प्लेट। बट अभी जो जेड स्ट्राइक कर रहा है वो बिकॉज ऑफ द स्विंग ऑफ दिस प्लेट नाउ इट इज हिटिंग एट पॉइंट सी, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, अगेन इंक्लिनेशन वाला केस हो गया, सो वी विल राइट द नॉर्मल फोर्स, पहले तो हम नॉर्मल फोर्स लिखेंगे ऑन दिस प्लेट, दिस इज एफ एन, एफ एन, ठीक है, एफ एन क्या होगा, सो द फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाई दी जेड, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाई दी जेड, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हो गया, इफ यू लुक दी इन द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस विल बी योर 90 माइनस थीटा,
ऑल राइट, ये थीटा है, दिस इज 90, 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, दिस इज राइट एंगल, ये एंगल कितना है, दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज राइट एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, सो दिस विल बी थीटा, दिस विल बी योर थीटा, ऑल राइट, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, सो नॉर्मल फोर्स कितना होगा एफ एन, तो हमने एफ एन कैलकुलेट ही किया था, कितना आया था, रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एफ एन विल बी रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, कैसे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि दिस इज दी वी, वी टेक अ नॉर्मल कंपोनेंट ले ले इसका, वी का एक नॉर्मल कंपोनेंट ले ले, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इधर, इसको इधर से नॉर्मल कंपोनेंट बना देते हैं यहाँ पर, लेट दिस इज राइट एंगल, ठीक है, ये वेलोसिटी कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल अभी बाहर ले लेते हैं, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये इधर है, ये एफ एन का एंगल है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल, ये के एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, ये कितना है, दिस इज वी, और ये कितना है थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस थीटा, ऑलराइट, दिस इज वी, ये यहाँ पे क्या है, दिस इज वी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस कंपोनेंट विल बी वी कॉस थीटा, सो वी कॉस थीटा इज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन विल बी वी एन टू विल बी जीरो, सो रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी मास फ्लो निकाल ही लेते, सो एफ एन कितना हो जाएगा, एम डॉट वी एन वन माइनस वी एन टू, एम डॉट विल बी रो ए वी, वी एन टू विल बी वी कॉस थीटा एंड माइनस जीरो, सो रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, रो ए वी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, पहले कितना आया था, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर 31.4, सो दिस विल बी 31.4, 31.4 इंटू कॉस थीटा, सो दिस इज एफ एन, ठीक है, लेट दिस अभी डायमेंशन वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा, अभी क्या ये फोर्स यहां पे लग रहा है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट सी, और कोई फोर्स जो लग रहा होगा, सो यस वेट ऑफ द प्लेट दिया हुआ है, सो वेट वेट ऑफ द प्लेट कहाँ से एक्ट करेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट, सेंटर ऑफ द प्लेट से यहाँ से कितना वेट एक्ट कर रहा है, दिस इज डब्ल्यू, और ये कितना है एम जी, और दिया हुआ है क्वेश्चन में 98 न्यूटन, दिस इज योर 98 न्यूटन, ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है ये एंगल थीटा कितना है, व्हाट इज दिस एंगल थीटा, व्हाट इज ओ ए, ओ ए डैश ये भी इक्वल ही होगा, ओ ए डैश अगेन दिस इज ओ ए एंड दिस विल बी योर, ठीक है, सो लेट अस राइट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, सो वी विल राइट मोमेंट, सेम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, सो एफ एन कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एफ एन लग रहा है, सो एफ एन, सो एफ इंटू एन, एंड व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट दिस इज ओ सी इक्वल टू, दूसरा वेट क्या है, ये किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कितना होगा डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डब्ल्यू का, सो ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, दिस लेंथ विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना है, दिस इज एल बाई टू कितना है, अगर ये टोटल लेंथ प्लेट की एल है, सो टोटल लेंथ दिस इज एल, सो दिस विल बी योर हाफ ऑफ द लेंथ, सो दिस विल बी योर एल बाई टू, ठीक है, एफ एन मल्टीप्लाई ओ सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ओ सी एंड दिस विल बी डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, नाउ ओ से सी कितना होगा, वॉट विल बी ओ टू सी, फॉर ओ सी लेट अस टेक हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज सी, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले ले, ओ ए एंड सी,
दिस एंगल, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये कितना है L/2, ये कितना है थीटा, हमको कैलकुलेट क्या करना है ओ टू सी। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन से व्हाट विल बी कॉस थीटा, कॉस थीटा विल बी बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस। सो फॉर दिस एंगल ओ ए विल बी योर बेस, ओ ए अपॉन ओ सी, एंड ओ सी कैन बी रिटेन एज ओ ए, ओ ए कितना है L/2 ओवर कॉस थीटा। सो L/2 ओवर कॉस थीटा, ठीक है, L/2 ओवर कॉस बराबर L/2 ओवर कॉस थीटा। नाउ एफ एन तो लिख ही दिया, एफ एन लिख देते हैं। नाउ यू प्लेस दिस वैल्यूज, एफ एन कितना है 31.4 कॉस थीटा, एंड ओ टू सी L/2 कितना होगा, L/2 कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 0.1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो ओ टू सी विल बी 0.1 एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एंड W W दिया हुआ है 98 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। सो दिस विल बी दी रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे W एक्ट कर रहा है। सो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा। हमको ये डिस्टेंस अभी कैलकुलेट करना है, दिस डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन टेक दी राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, यहीं पे ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है, दिस इज ए डैश, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, दिस इज ए डैश, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ये कितना है ओ टू ए, दिस इज योर L/2 और 0.1, 0.1 ही ले लेते हैं। सो दिस इज 0.1, 0.1। सो हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, सो आई कैन राइट साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा विल बी, लेट दिस पॉइंट इज वी कॉल दिस इज, इसका कुछ नाम रख देते हैं, लेट दिस इज ओ डैश, ओ डैश। सो साइन थीटा विल बी ओ डैश ए डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 0.1। सो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू साइन थीटा, सो दिस विल बी योर 0.1 इंटू साइन थीटा, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर W। L/2 कहाँ से लिख दिया, नो नो नो, दिस इज W एंड W इंटू ओ डैश ए डैश, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट L/2, L/2 कहाँ है, L/2 नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ये लाइन से वी आर टेकिंग एज अ रेफरेंस। सो इसके लिए वी विल टेक दिस डिस्टेंस और इसके लिए वी विल टेक ओ डैश ए, 98 इंटू 0.1, 0.1 इंटू साइन थीटा, सॉल्व कर लो, दिस कॉस थीटा विल बी कैंसल आउट, सो दिस विल बी 3.14 इज इक्वल टू 98 इंटू 0.1, सो 98 इंटू 0.1 इट बिकम्स 9.8, 9.8 इंटू साइन थीटा, सो साइन थीटा विल बी 3.14 एंड डिवाइडेड बाई 9.8। सो इसको डिवाइड करने पर यू विल गेट 3.2 एंड थीटा विल बी साइन इनवर्स 0.32 एंड इट विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 18.6 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, एक बार फोर्स फिर से दिखा देता हूँ, फोर्स कैसे कैलकुलेट किया, लेट मी रिमूव दिस ऑल दिस थिंग, देखो कैसा है, दिस इज दी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है और ये दिस इज, ये प्लेट का इंक्लाइन पोजिशन है, ये प्लेट का इंक्लाइन पोजिशन है,
यहाँ से जेड स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से जेड जा रहा है, तो जेड अभी यहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है, दिस इज योर एफ एन, दिस इज योर एफ एन, एफ एन, और वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, यहाँ से मोमेंट ले रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यहाँ पे मेरा वेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू। सो व्हेन वी टेक मोमेंट अबाउट ए, सो फॉर दैट वी नीड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, तो ये डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्स ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो इस फिगर में यह है कैलकुलेट करना है, ये ओ टू सी, ओ टू सी, और ये क्या है, दिस इज योर ए डैश एंड ओ डैश, ओ डैश। सो ओ डैश ए डैश विल बी फॉर डब्ल्यू, एंड सी के लिए, एफ एन के लिए, नॉर्मल फोर्स के लिए वी टेक ओ सी। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ पे था, तो अभी इंक्लाइन होने के बाद में भी यही पर, बिकॉज दिस इज मूविंग ऑन द सर्कल, ये पूरा पॉइंट किस पे मूव हो रहा है, सर्कल पे, जस्ट थोड़ा सा उठ जाएगा ये पॉइंट, अभी ए डैश यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ वेट एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे होगा। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, पर मिड पॉइंट ऑफ द प्लेट। सो ओ से ए डैश कितना होगा, एल बाई टू। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई टू। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ एल दिया हुआ है। सो एफ सी के लिए, एफ एन के लिए वी हैव टू कैलकुलेट ओ सी। तो ओ सी के लिए हम बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, दिस इज एल बाई टू एंड दिस इज थीटा, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है। सो इसके लिए यूज करेंगे। और ये अंदर छोटा वाला ट्राइंगल जो है, दिस इज स्मॉलर ट्राइंगल, इसको किसके लिए यूज करेंगे, फॉर ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फोर्स एग्जर्टेड बाई द जेड ऑन द प्लेट, प्लेट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था 15.5, एंड दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। कुछ और क्वेश्चन बाद में करेंगे, बट अभी के लिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।